माई डियर फ्रेंड्स, आज अपने मुगल काल पढ़ेंगे। ट्रिक के माध्यम से अच्छी प्रकार से अपने को याद हो जाएगा। मुगल काल को बादशाह के नाम से भी अपने जानते हैं। बादशाह, बी एच ए जे एस एच ओ एच, बी से बाबर, अच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ओ से औरंगजेब। बाबर 1526 ईस्वी में आया था और उसने चार युद्ध किए। उसके लिए भी एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया। पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध। सबसे पहले बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध किया था। खाना खाया अर्थात खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। चाय पी, चंदेरी का युद्ध 1528 के अंदर। घर गया, घाघरा का युद्ध 1539 ईस्वी में। मुगल काल की चर्चा करते हैं तो इसमें इनका जो समय मान रहे हैं 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 की क्रांति तक का समय। उसके बाद में अंग्रेज आ गए थे, तो जो बाबर का जो समय था वो 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक का समय रहा। हुमायूं का 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने आक्रमण करके, युद्ध करके हुमायूं को हरा करके शेरशाह ने शासन करना शुरू कर दिया। जो उनका शेरशाह सूरी का शासन रहा 1540 से लेकर के 1555 तक। उसके बाद पुनः खोए हुए साम्राज्य को हुमायूं ने पुनः प्राप्त कर लिया। उसका जो समय रहा था 1555 से लेकर के 1556। उसके बाद में अकबर का जो शासन आया था 1556 से 1605 ईस्वी तक। इस समय अकबर ने महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आपको पता है जो ये गीत भी है, चाले मेवाड़ी तलवार बेग्या पूना राखेगा रियाणा सुनता जा जो जी, हल्दी घाटी रंगी खून सुनालो बह तो जाए, माने जीवन सुन प्यार माने मरनो है एक बार राणा सुनता जा जो जी। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके अंदर भामाशाह ने महाराणा प्रताप का भरपूर सहयोग किया था और इनका घोड़ा चेतक था। उसी प्रकार इसी समय शिवाजी
महाराष्ट्र के अंदर अकबर का घोर विरोध किया था। ये दो ऐसे भारत के भारत माता के ऐसे शूरवीर थे जो भारत की जो ख्याति बढ़ाई थी महाराणा प्रताप को। अकबर का महाराणा प्रताप का नाम सुनकर के अकबर को रात को नींद नहीं आती थी। महाराणा ऐसा शूरवीर था। माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सुत्यो ओज के जान सिराने सांप। अकबर की ये कंडीशन इस प्रकार से रही थी। शिवाजी ने महाराष्ट्र की हिंदू धर्म की शोभा बढ़ाई थी। उसके बाद में जहांगीर आ गया था जो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक इनका जो शासन रहा। उसके बाद में शाहजहां 1628 से लेकर के 1658 तक। उसके बाद में औरंगजेब आया था 1658 से लेकर के 1707 तक। ये सबसे क्रूर और इसका एक ही उद्देश्य था इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना। इस समय उत्तर भारत के अंदर जो गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे हिंदू धर्म के प्रति बड़े ही पक्के थे। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह दो बच्चों को मरवा दिया था। दो बच्चों को दिल्ली लेकर के चला गया था और उनको कहा कि आप हिंदू धर्म छोड़ दीजिए और इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो मैं आपको दिल्ली का आधा राज दे दूंगा। परंतु उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे दो बच्चे 12-13 साल के छोटे बच्चे थे। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे धर्म ईमान के पक्के जोरावर जोर से बोला फतेह सिंह शेर शाह बोला सुनो दीवार हत्यारे यही दीवार बोलेगी पिता दशमेश की जय हो गुरु गोविंद की जय हो। तो इन बच्चों को औरंगजेब ने दीवार के अंदर चिणा दिया था। हुमायूं का जो शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी के बीच में जो ट्रिक के माध्यम से 24 हुमायूं को दो युद्ध करने पड़े, एक चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और 20 का मतलब बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह के साथ। हुमायूं ने दो युद्ध किए, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। दोनों युद्धों में हुमायूं की हार हुई और शेर खां की विजय हुई। 1 जनवरी 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक।
पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, और दूसरा युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1536 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर के 9 रत्न थे। इसका ट्रिक याद करने का सबसे सरल तरीका है बेट बेट एम एम एच। बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम, टी से टोडरमल और एम से मुल्ला दो प्याजा और एम से मानसिंह, एच से हकीम हुकाम। बिरबल, आपने बिरबल और अकबर के किस्से काफी ज्यादा सुने हैं। अबुल फजल, तानसेन, ये बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। भगवान दास को महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके महाराणा प्रताप के पास में भेजा था। मानसिंह को इनके पास में भेजा था। अकबर सभी धर्मों को समान समझते थे। उन्होंने आईने अकबरी का जो रचता है उसने अबुल फजल अकबर के पूरे इतिहास का शासन काल का वर्णन किया। अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में नवीन धर्म की स्थापना की। अकबर से विवाहिक संबंध राजपूतों से रहे। 1562 जोधा भाई आमिर के शासक भारमल की पुत्री से विवाह किया। मुगल साम्राज्य को आगे का जो इतिहास पार्ट टू में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करेगा जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल सके।